अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ विद साजिद इसहाक के साथ मैं सैफुल्ला सैफ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद होंगे साजिद इसहाक साहब, जिनसे हम डिस्कस करेंगे। हमारे प्रोग्राम के आज दो टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक होगा कि जिस तरीके से कल एक हॉस्पिटल में एक नौजवान सुनील सलीम का जिस तरीके से बेईमाना कत्ल हुआ, उसका मर्डर किया गया। अफसोस की बात तब होती है कि जब जहाँ पर वो इलाज के लिए अपने फैमिली के इलाज, अपनी बहन के इलाज के लिए गया, वहाँ वहीं पर उसका मर्डर हुआ। साजिद इसहाक साहब से हम इस मौजू पर बातचीत करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच हैविंग अ टाइम। बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरीके से सुनील सलीम का मर्डर हुआ, ये किस तरफ सोसाइटी जा रही है कि जहाँ पर आपको आप रिलीफ लेने जाते हैं, आप अपना इलाज के लिए जाते हैं, और वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड्स और डॉक्टर्स आपके साथ इस तरह का रवैया रखे हुए हैं, और ये वाकयात मुसलसल हो रहे हैं। जी सैफ, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ये नहायत ही दुख का समझता मुकाम है। और अभी चंद हफ्ता पहले हम एक बच्चा साजिद मसीह के लिए जस्टिस की बात कर रहे थे कि उसको भी एक अदारे ने, FIA ने, जिसको कहा जाता है कि वो लोगों के पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो लोगों की दादरसी के लिए है, इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है तो इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे तरीके हैं। और आज हमने देखा कि 26 तारीख को जो ये वाकया दरपेश आया कि एक क्रिश्चियन फैमिली है जो कि पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं कि जितने के दूसरी आवाम है यहाँ पर, और वो जब जाते हैं इलाज के लिए, और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल जो है लाहौर का एक बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ जब जाते हैं उसकी बहन जो किरण सलीम है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपने आप को चेकअप कराना था किसी गायनेकोलॉजिस्ट से, मगर उस डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का जो रवैया यहाँ पर नज़र आता है कि इंसानियत ख़त्म होती जा रही हमारे अंदर, और वो अपने फ़ोन पर मसरूफ़ है और नर्स से कहा जा रहा है कि तुम इसको देखो। और उस बच्ची ने कहा कि मैंने आई हूँ आपसे इलाज करवाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ से फ्लेयर अप होती है सारी चीज़। उसका हस्बैंड भी था, उसके दो भाई थे, कि उस डॉक्टर ने उस बच्ची को जो वहाँ पे इलाज कराने आई है उसको थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया, उसके चेहरे पर मारा। और उसके बाद डॉक्टर्स ने मिलकर और वहाँ का जो गार्ड है उन्होंने मिलकर उन तीनों को मारा, पीटा। तकरीबन 30 मिनट तक ये अमल चलता रहा, और इसके गवाह भी एक निजी चैनल भी है जो वहाँ पे पहुँचा। मौजूद था। मगर ये इस वक्त जो अलमिया है, पहली बात तो ये है कि ये पंजाब में ही क्यों हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि लाहौर में ही इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जाता है जो हमारा खादमे खादमे आला आला है, जो अपने आप को कहते हैं कि आवाम का खादम, और ड्रामेबाजी करते हैं, टोपी पहन के हर जगह भाग के पहुंचने की कोशिश करते हैं सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये सर्विसेज हॉस्पिटल जो है, जहां के डॉक्टर्स वहां के गुंडे बदमाश बन चुके हैं, ये गुंडागर्दी है, ये डॉक्टर्स नहीं हैं, ये डकैत हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये कातिल हैं। और वहां पे अब शादमान पुलिस स्टेशन में इनकी FIR दर्ज हुई है, जिस पे 302, 147 और 149 की दफात इनके ऊपर लगी हैं, और उसमें दो लेडी डॉक्टर्स हैं, तीन डॉक्टर्स हैं, और गार्ड के नाम दिए गए हैं उसके अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अब नॉन मुस्लिम्स या रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर पर, वैसे तो पूरी पाकिस्तानी कौम ही तरस गई है कि उनको इंसाफ मिल मिल सके, सके बिल्कुल। मगर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है ख़ास तौर पर, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती जा रही है। वो समझ रही हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है पर्पसली। वो ये नहीं है कि सिर्फ वॉयलेंस हो रहा है, बल्कि ज़ुबान के साथ भी, बल्कि तकरीर में भी, हेट स्पीचेस में भी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब चीफ जस्टिस साहब जब जाते हैं मुख्तलिफ जगह पर दौरा करने के लिए, जब जैनब के कातलों को इंसाफ मिला, हुआ उसके साथ इंसाफ, तो साजिद मसीह के साथ भी इंसाफ होना चाहिए और सुनील सलीम के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो फिर
जो सोच रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वाले कि हम यहाँ पर गैर महफूज होते जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनका ये सोचना, ये उनकी बात फिर जायज़ हो सकती ठीक है। है, दुरुस्त बात की आपने कि जिस तरीके से हम ये बात कर रहे थे कि इंस्टीट्यूशन, और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था कि जिसके बारे में समझा जाता है कि बड़ा, यानी कि लोगों के साथ एक फ्रैंक होता है, लोगों के ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से भी इस तरह का जो रवैया आना, तो क्या समझते हैं कि जो एक तरबियत का जो एक प्रोसेस होता है, चाहे वो वकला गर्दी भी हम देखते हैं, कोर्ट्स पर वो हमला कर देते हैं इस तरीके से, ये कैसे थे कि डॉक्टर्स को भी बेहतर समझा जाता था, लेकिन अब डॉक्टर्स भी इस तरह से लोगों को ट्रीट करना शुरू हो गए हैं तो। देखिए, हमारे रवैयों में एक्सट्रीमिज्म आता जा रहा है। ये बड़ा ही थिन लाइन डिफरेंस है फंडामेंटलिज्म में और एक्सट्रीमिज्म में। फंडामेंटलिज्म ये है कि आप जिस मज़हब पे यकीन रखते हैं, आप उसके इकदार, उसकी सारी तालीमात, उसके ऊपर आपका ईमान जो है वो मज़बूत होना चाहिए, और वो फंडामेंटल राइट है आपका, आपका मज़बूती एक अच्छी बात है। मगर जब हम थोड़ा और स्ट्रेच करते हैं और हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं, और हम समझते हैं कि हम दूसरे जो है वो इंसान नहीं हैं और सिर्फ हम हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर बिगाड़ पैदा होता है। यहाँ पर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो मुआशरे में रवैये चल पड़े हैं और ये एक नफ़रत की तरफ लेके जा रहे हैं। किसी ने अगर मैंने अगर आपकी बात से इख्तलाफ किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जान ले लें जान या ले मैं लें, आपकी जान ले लूँ, खुदा ना खास्ता। उसका मतलब ये है कि हम डायलॉग स्टार्ट करें। अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान इस जगह पर पहुंच चुका है कि हमें मुकालमे को लेके आना है। हमारे अंदर से मुकालमा ख़त्म होते हैं, और मुकालमा जब तक नहीं होता, ना तो घर बस सकते हैं, ना अदारे रह सकते हैं, ना हुकूमतें रह सकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि डायलॉग्स के दरवाजे खुले रखने चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि हम बात करें कि कायद का, जो पाकिस्तान की हम बहुत बात करते हैं, ख्वाब देखा है, हम बात करते हैं 11 अगस्त की तकरीर को भी वापस लाए गए हैं, हम बात करते हैं कि बहुत सारा राइट्स दिए गए हैं नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज को, यहाँ पर झंडे में नुमाइंदगी दी गई है, तो खाली नुमाइंदगी दे देना तो काफ़ी नहीं है। आप देख लें कि आपकी असेंबली में नुमाइंदगी पूरी नहीं है, आपकी प्रोविंशियल असेंबली में नुमाइंदगी पूरी नहीं है, तो आप फिर कैसे बात कर सकते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ का या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम्स का ख्याल रख रहे हैं। अब ये टेस्ट केस है। मैं समझता हूँ ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल का हॉस्पिटल है, ये टेस्ट केस है। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो भी सुपरवाइज करते रहे काफ़ी अर्सा, चीफ मिनिस्टर साहब भी, तो ये उनके डायरेक्ट अंडर नोज आती है, उनके उनके नाक के नीचे हो रहा है। जैसे 14 लाशें गिराई थी इन्होंने मॉडल मॉडल टाउन में, टाउन में, बिल्कुल जैसे साजिद ने छलांग मारी एफआईए एफआईए बिल्डिंग की से। बिल्डिंग से, अब ये भी उनके नाक के नीचे हो रहा है। निकालें अपने वो 2400 पुलिस एहलकार इन्होंने अपने जाति उम्रा के महल में रखे हुए लगाए हैं, हुए उनको लगाएं जो काम करना है उन्होंने, वो इन हैं 4-5 अफराद की हिफाजत के लिए है, और बाकी सारी जो कौम है वो मर रही है इस तरह से, वायलेंस हो रहा है यहाँ पर। तो ये किस किस्म के हुक्मरान है, इनको मैं समझता इनको जेलों में डालने की ज़रूरत है अब। सर, ये तो एक आपने बात कर ली कि जिस तरीके से माशरे में अदम बर्दाश्त भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली केस में देख लें तो जो हॉस्पिटल्स का निज़ाम है वो कोई प्रॉपरली नहीं है। अगर आप अगर पूरे पाकिस्तान को छोड़ दें, यहाँ इस्लामाबाद की सिर्फ अगर आप बात कर लें, तो यहाँ का एक पिम्स हॉस्पिटल है जो कि 30 लाख से 30 लाख से ज़्यादा आबादी उसके अंदर जो है वो वहाँ के लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो हॉस्पिटल्स के निज़ाम को भी तो बेहतर करना चाहिए, ताकि इस तरह से जैसे सुनील सलीम इनकी जो फैमिली जब वहाँ पर गई तो इन्हें बगैर किसी लड़ाई झगड़े के इन्हें वहाँ पर प्रॉपरली ट्रीटमेंट इनकी हो जाती, इन्हें वहाँ से रिलीफ मिलता। देखें, ये किसकी नेग्लिजेंस है, मेरी और आपकी, हुक्मरानों की हुक्मरानों की? 30 साल से ये वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं, और इतने बदकिस्मत लोग हैं ये कि अपने इलाज के लिए बाहर जाते हैं। 30 साल हो चुके हैं इनको हुक्मरानी करते हुए, और इतने बदकिस्मत हैं कि इनको यहाँ पर कोई हॉस्पिटल इन्होंने बनाया ही नहीं है। नहीं 165 बिलियन रुपया लगा के इन्होंने ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, और इनका जो कर्जा है पर डे 30 मिलियन इनका इंटरेस्ट पड़ेगा उसके कर्जा, जिस जो ले रहे हैं चाइना से ये। और ये मतलब
आप क्या बात करते हैं, पिम्स की बात करें, 26 लाख इस्लामाबाद की आबादी है एक पिम्स और एक पॉलीक्लिनिक का, ये ना काफ़ी है। इसी तरह लाहौर की आबादी जो है हर 101 मिलियन है, अगर पाकिस्तान की 20 करोड़ है तो तकरीबन 10-11 करोड़ की आबादी जो है वो लाहौर की है। मगर क्या है, सिर्फ नुमाइश, सिर्फ पुल बना देना, इससे क्या आप समझते हैं कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी इनकी? और दूसरी बात यह है कि सारी चीज़ें साइड पर रखते हैं, रवैयों में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ चुका है। हमारे हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमने रवैये ख़राब कर दिए कौम के, हम बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है हमारे अंदर, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, हम एक दूसरे इसके मुकालमा तो कहीं की बात है कि हम एक दूसरे से इख्तलाफ़ राय नहीं रख सकते, यहाँ पे हम सब ट्रामाटाइज्ड हैं, हम एक दूसरे से डर रहे हैं, जबकि कलाम मुकद्दस कहता है, कुरान मजीद कहता है कि तुम्हारा हमसाया तुमसे महफूज हो। क्या आज हमारा हमसाया हमसे महफूज है? हम अपने अंदर झांक के देखें ना, अगर नहीं है तो फिर शायद हम अपनी कलाम की, अपने किताब की, अपने होली बुक्स की तालीमात पे अमल नहीं कर रहे। जब गवर्नमेंट की बात आती है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर्स हर 3 माह बाद जो यंग डॉक्टर्स हैं वो एहतजाज कर रहे होते हैं, और स्पेशली अगर हम देखते हैं कि लाहौर में उनका एहतजाज हो रहा होता है, यंग डॉक्टर्स के मसाइल नहीं हल हो रहे, नर्सेज के मसाइल नहीं हल हो पा रहे, वो इतना स्टडी करके आते हैं, बदमाश हैं ये सारे। आप देखें मिशनरीज को, जब आए थे मिशनरीज, उन्होंने जब यहाँ पे हॉस्पिटल्स कायम किए थे, अभी भी अगर कोई मिशनरीज यहाँ पे काम करें तो वो एक जज्बे के साथ काम करते हैं। ये बातें बहुत करते हैं डॉक्टर्स, हम जनाब बड़े होके डॉक्टर बनेंगे और कौम की खिदमत करें, ये खिदमत कर रहे हैं ये लोग कि लोगों की जानें ले रहे हैं ये लोग, ना तो क्लिनिकल नेग्लिजेंस की यहाँ पे आज तक लॉ बन सका है पाकिस्तान में, आज भी क्लिनिकल नेग्लिजेंस का लॉ नहीं है। अगर कोई डॉक्टर गफलत से किसी को मार दे तो उसका लॉ नहीं है यहाँ पर, कौन बनाएगा? ये जो बैठे हैं 342 का आह्वान है, जो हराम का खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, लो हमारे टैक्सेस का खा रहे हैं, क्या पॉलिसीज बना रहे हैं आवाम के लिए? अपने तो सदर बनने के लिए तो उन्होंने सेकंड नहीं लगाता ये कि अपनी जमात का जनाब दोबारा से नाहल जो है सदर बन जाए, रातों रात उसमें वो तो। और जब आवाम की बात आती है क्या कर रहे हैं ये लोग, ये मजबूर कर रहे हैं आवाम को कि आवाम बाहर निकले इनके गिरेबान को पकड़ ले जाके, और जो ये हरकतें हो रही हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं लेके आवाम को। अब मैं दुआ करता हूँ खुदा पाकिस्तान का महफूज रखे और इस तरह के हुक्मरान से बचा के रखे। ठीक है, लास्ट में सर ये बताइएगा कि जो इंक्वायरी भी अभी सीएम साहब ने हमेशा की तरह कहा है जी कि इसकी साफ शफाफ इंक्वायरी होगी, पहले हुई है साफ शफाफ कभी सर? इससे पहले तो ड्रामेबाजी है, मैं बता रहा हूँ आपको, सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं होगा, यानी कि इसमें भी इंसाफ होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि टेस्ट केस है ये, साजिद मसीह का दिया था केस उसमें फेल हुए, ये 14 लोग शहीद हुए बॉर्डर, उसमें फेल हुए ये लोग, अब अगर फेल हो गए तो लोगों ने इनको चांटे मारने इनके मान। ठीक हो गया जी नाज़रीन, जिस तरीके से आपने गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम का जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है जो कल एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई, अनएक्सपेक्टेड मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद हकान अब्बासी की और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है साकिब निसार, बड़ी खबरों में आजकल, खबरों के जीनत बने हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त फैसले भी दे रहे हैं। इस पर हम साजिद इसहाक साहब से पूछेंगे कि सर जो इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई, क्या समझते हैं कि क्या बातें हुई, जो बातें बताई जा रही हैं वही हुई होंगी या पसे पर्दा कुछ और बातें भी हो सकती हैं? सैफ देखें, ये मुलाकात ना तो चीफ जस्टिस साहब के कहने पर हुई, ना किसी जुडिशरी की तरफ से हुई, बल्कि ये उन्होंने रिक्वेस्ट करके अटॉर्नी जनरल साहब से कि जी हम मुलाकात करना चाहते हैं। आपने नोटिस किया होगा पिछले चंद दिनों से नवाज शरीफ साहब की टोन में तब्दीली आ चुकी है। बिल्कुल और वो कह रहे हैं जनाब के अदारों के साथ मिल के चलना चाहिए, तो ऐसे करना चाहिए, क्योंकि नज़र आ रहा है, उनको नज़र आ गया है कि निहाल हाशमी साहब के साथ भी जो हो चुका है, दानियाल अज़ीज़ के साथ जो होने जा रहे हैं और तलाल चौधरी के साथ, तो उनको पता लग रहा है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये लेके जा रहे हैं एक बड़े बुरहान की तरफ उनको। अब वो जो कोशिशें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इतनी ये पायदार नहीं हो सकती, ना जुडिशरी पर कोई इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से
साकिब निसार साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्रेंड सेट किया है कि उन्होंने एक सो मोटो एक्शन के जरिए, डिसीजंस के जरिए एक निज़ाम को अपने ट्रैक पे लेके गए हैं। मैं नहीं समझता इनकी ये जो मुलाकात है, बेशक अलामिया तो फर्क दे रहे हैं कि हमने कहा है कि हम अदारों के साथ ऐसे करेंगे तो उसको बेहतर लेके चलेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, करना चाहिए। अगर ये प्राइम मिनिस्टर हैं तो इनका फर्ज बनता है कि करना चाहिए, और इनका यह भी फर्ज बनता है कि जो अदारे फैसला देते हैं उस पे ऊपर अमल भी करवाएंगे। फैसला तो ये भी है कि इनका ECL में नाम डाला जाए। अगर तो ये कहते हैं कि हम अदारों को स्ट्रेंथन करेंगे तो इनको चाहिए कि अपने इंटीरियर मिनिस्टर से कहें कि इनका नाम ECL में डालें अदालत के हुक्म, तो हमें भी पता लगे कि ये जो बात करके आए हैं चीफ जस्टिस साहब के साथ वो वाकई सच्चाई के साथ करके आए हैं। दूसरी बात यह है, किस तरह की एफर्ट पीपल्स पार्टी के दौर में भी गिलानी साहब भी कर चुके हैं रिलीफ के सिलसिला में, वैसे भी तो मैं नहीं समझता इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर की बात करें तो वो कोई रिलीफ मिला नहीं था, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है एक सुप्रीम बॉडी है और बहुत मोतबर वहाँ पे जस्टिस साहबान बैठे हुए वहाँ पे, जो कि किसी फर्द वाहिद का नहीं बल्कि मुल्क के लिए और एविडेंस के ऊपर फैसले करते हैं, और यही उनका कमाल है क्योंकि हर किसी की इस वक्त नज़र जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि इनके जाने से कोई रिलीफ मिलेगा या कोई इनके जाने से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। हाँ, अगर ये संजीदा है तो अदारों को स्ट्रेंथन करने में मदद करें उनकी। ऐसा इससे पहले भी जब बात रज़ा रबानी साहब थे जब चेयरमैन सेनेट थे, उन्होंने भी बात की थी कि डायलॉग होने चाहिए बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सर ये तो बिल्कुल भी इसमें कोई नई मुताबिकत मिल रही कि 5 बजे जो बताया जा रहा है कि 5 बजे दरख्वास्त की गई और रात जो है 8 बजे मुलाकात हो गई, तो बिटवीन द ये जो एक ये परसेप्शन बना हुआ है कि शायद रिलीफ लेने के लिए गए, उन्हें मियाँ साहब ने भेजा हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो एक बातें चल रही हैं कि इन्होंने बात की हो वहाँ पर कि हमें कुछ रिलीफ दिया जाए, या इस तरह की बात तो हो सकती है। तो बात तो हो सकती है, मगर हम अब कह नहीं सकते क्योंकि अजम्पशंस पर ही है, क्योंकि टाइमिंग्स बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर करती हैं। अब जो टाइमिंग्स हैं, पहले नहीं तशरीफ लेके गए, अब एकदम से इनका इनको याद आया कि नहीं हमें जाके कर लेना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इस पर हम अज्यूम नहीं कर सकते, मतलब हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, ज़रूर की होगी बात, क्योंकि इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है, ये तरजीह जो है वो तो यही है नवाज शरीफ का बच जाना, बचाया जाए उनको, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, और जुडिशरी को तो अपना जेन चेंज करे, क्योंकि एविडेंसेस के साथ बात होती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारी अजम्पशंस तो हैं, या हाइपोथेटिकली लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे होना, ऐसे हुआ होगा या ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस के जितने भी सरबराहान हैं वो अगर बैठें, डायलॉग करें इंस्टीट्यूशंस पर, जहाँ जहाँ पर खामियां हैं वो बात करें, तो एक दुरुस्त अमल होगा, बिल्कुल होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर है ये, ठीक है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अपने प्रोग्राम में हमें फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट का हमें होता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.